हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। सुबह का समय है तो सबसे पहले मैं नहा धो के पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो काबुली चना को हमने 5-6 घंटे तक भिगो के रखी थी। अब यह अच्छी तरह से फूल गया है। अब मैं इसे धो के साफ करके प्रेशर कुकर में डालती हूँ और इसमें हल्का सा नमक और पानी डालती हूँ। अब इसको मैं ढक देती हूँ। तो देखिए, आग हमारा जल रहा है। अब मैं प्रेशर कुकर को चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ जिससे कि काबुली चना हमारा अच्छी तरह से उबल जाए। तो काबुली चना हमारा उबल रहा है, तब तक मैं धनिया और लहसुन, लाल टमाटर, प्याज इन सभी चीज़ों को लिया है। अच्छी तरह से इसको साफ कर लेती हूँ। अब इसे साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेती हूँ। धोने के बाद मैं इसे छोटे छोटे पीसों में बारीक काट लेती हूँ। सभी सब्जियों को बारी बारी से काट लूंगी। अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं धनिया को भी बारीक काट लेती हूँ। लहसुन और अदरक को खलबट्टे में भून लेती हूँ। तो आइए हम देखते हैं, हमारा काबुली चना उबल गया है। अब मैं इसे उतार देती हूँ। उतारने के बाद मैं चावल बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं चावल को अच्छी तरह से साफ पानी से धो लेती हूँ। तो चावल हमने धो लिया है। अब मैं चावल में पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। चावल हमारा पक रहा है, तब तक मैं आटे को चाल के गूंथ लेती हूँ। चावल बनाने के बाद मैं रोटी बनाऊंगी। तो देखिए, हमारा आटा भी गूंथ गया है। चावल को बीच बीच में चलाती रहूंगी।
तो देखिए चावल भी हमारा पक गया है। अब मैं इसे उतार देती हूँ और रोटी बनाती हूँ। देखिए हमारा एक रोटी भी बन गया है। इसी तरह से सभी रोटियों को मैं बनाऊंगी। रोटी बनाने में काफी समय लगता है। तो रोटी हमारा बन गया है। अब मैं कढ़ाई में तेल डालती हूँ। हींग और तेज पत्ते का तड़का लगाती हूँ। लहसुन अदरक को भी इसमें डाल के भूनती हूँ और प्याज को भी डाल के इसमें भूनूंगी। तो देखिए प्याज का कलर कुछ चेंज हो गया है। अब इसमें टमाटर भी डाल के भूनूंगी। टमाटर को गलने के लिए स्वाद अनुसार नमक को डाल देती हूँ जिससे कि अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं मसाला तैयार करती हूँ। तो मसाले में हमने हल्दी पाउडर और छोले मसाला को लिया है। तो अब हम इसमें मसाले को डाल के भूनती हूँ। अब यह मसाला पक रहा है। तब तक मैं प्रेशर कुकर को खोल के चना को देखती हूँ। चना हमारा अच्छी तरह से उबल गया है। अब मैं इसे मथ लेती हूँ थोड़ी सी। मसाला हमारा पक रहा है। अब मैं मथे हुए चने को इसमें डाल देती हूँ। डालने के बाद थोड़ी देर तक पकाती हूँ। तो देखिए हमारा छोला बन गया है।
अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट करना न भूलें। छोले के ऊपर से धनिया को डाल देती हूँ जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे। बहुत अच्छा छोला बना है। काबुली चना का छोला बहुत ही स्वादिष्ट होता है। धन्यवाद दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।